मेरे अजीज अम्मतनों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं यार बताने के लिए आया हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए हो सकता है मे बी पॉसिबल गायब हो जाऊँ। वो इसलिए क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए नहीं कि वो एक्सीडेंट हुआ तो मेरे कहीं लग गई है या मुझे कुछ हो गया है। मेरा तो हुआ ही नहीं था, मैं तो दूसरी गाड़ी में था। मेरे दोस्तों का जो कि हमसे पिछली गाड़ी में थे, बैंड बज गया। दोस्तों को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी का बैंड बज गया। खैर वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। पूरा दिन और दो तीन दिन हमने रशियन पॉइंट का, मैंने सोचा था कि मैं रशियन पॉइंट जाके वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारा बन ही नहीं पाया, हम जा ही नहीं पाए। कहीं और जाने के लिए जब प्लान किया तो ये एक्सीडेंट हो गया। तो सॉरी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर रशियन पॉइंट का भी ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि वो पूरी एक लंबी दास्तान है, वो पूरी आपको सुनाऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यार फिर से मुझे पटेल हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और पहले जो मैं कुछ दिनों के लिए YouTube से गायब था वो भी इसी वजह से था कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था। पिछले दो मंथ तकरीबन हो गए अक्टूबर से मेरे हॉस्पिटल्स के बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं। किसी ने अपनी वजह से नहीं, किसी ना किसी वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लगे ही जा रहे हैं। पहले बेबी बॉर्न हुआ था उस टाइम पे काफ़ी चक्कर लग रहे थे, उसके बाद मेरे मामू उनकी उंगली कट गई थी, उसका ऑपरेशन था। पहले भी मैं पटेल हॉस्पिटल के चक्कर बहुत लगा रहा था, फिर मैं अपने मामू के साथ सिविल हॉस्पिटल में बिजी रहा, तो सारा टाइम जो है वो बस ये हॉस्पिटल्स में लगा हुआ है। मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊं, कहीं बाहर जाऊं, कहीं घूमने के लिए जाऊं और वहां पे जाके सारा कुछ करूं। वसीम चाचू का बेटा पैदा हुआ था और वो पटेल हॉस्पिटल में था और वो वहां पे काफ़ी दिन एडमिट रहा। उसके बाद वो उसकी तबीयत ठीक हो गई तो हम उसको घर पे ले गए। अब उसकी तबीयत थोड़ी सी दोबारा ख़राब हो गई है तो उसको वहां पे दोबारा एडमिट कर लिया है। तो मैंने सोचा इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि मैं दोबारा से थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाऊँ और ना ब्लॉग बना पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ। आज भी मैं गया था हॉस्पिटल और अभी कुछ दिन और हमको हॉस्पिटल से चक्कर लगाने हैं। खैर हॉस्पिटल को इतनी अच्छी जगह नहीं है सिवाय जब बच्चा पैदा होता है, उसके अलावा वहाँ पे कोई खुशी से नहीं जाता। आप लोग सब दुआ करें कि वो बच्चा बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, घर वापस आ जाए और मैं दोबारा से अपने ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूँ दोबारा अच्छे तरीके से। अभी कोई टाइम नहीं मिल रहा, कहीं आना जाना नहीं हो रहा, सिर्फ यही है लगा रहता है ज़िंदगी में। तो यार आज मैं उठा था सुबह 9 बजे और 9 बजे उठने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, नाश्ता किया, उसके बाद मुझे कॉल आई वसीम चाचू की। तो आज यार मैं उसको ब्लड देने के लिए गया था, वो देखते हैं उसके बाद फिर वापस आते हैं। अज़ीज़ अम्मतनों, अभी वापसी का टाइम है और मैं वापस जा रहा हूँ। खून देने के लिए आए थे वसीम चाचू का बेटा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो ब्लड दे दिया है। मैंने नहीं दिया, किसी और ने दिया, जूस तो मैं वैसे ही पी रहा हूँ। आप में से बचपन में किसी ने कागज़ को रोल करके सिगरेट बना के पिया है? जो खुशबू आती है ना इस वक्त, वो वाली खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने लाइट के ऊपर अखबार रखा हुआ है और वो चल रहा है और उसकी भीमी भीमी से खुशबू मेरे पास आ रही है। वाह, बचपन याद आ गया। तो अजीज अम्मत में आज मैं गया था, आज पहला दिन था, कल मैं दोबारा जाऊंगा, कल देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो तो फिर खुशी की तरफ से ब्लॉग बनाऊंगा, वरना तो नहीं बनाऊंगा। तो दुआ करते रहें आप लोग, अपनी दुआओं में वसीम चाचू और उनके बेटे को ज़रूर याद रखें, मुझे भी याद रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।